Friends, in our previous video, we have studied that one of the most unique features of Harappan civilization was the development of urban centers. I have made a note in order to facilitate your learning. As you can see, most unique feature of Harappan civilization was development of urban centers. In Mohenjo-daro, we found two types of settlements. One was smaller but higher, and another one was much larger but lower. Our archaeologists named them as Citadel and Lower Town respectively. In our previous video, we had studied about domestic architecture of Lower Town, and in this video I am going to teach you domestic architecture of Citadel. Please, you are requested to have a look at my notes because I think it will facilitate your learning, as I have made it in order to keep your requirements and your demands in my mind, and I think my notes is eye-catching. See, here it is Citadel. Evidence of structures probably used for special public purposes. As you must have read your NCERT well. It is on the Citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes. These included the warehouse, as you can see here. It's a warehouse. And the second one was Great Bath. Let me first talk about warehouse. Warehouse ka matlab hota hai godam. It was a massive structure. Iske jo lower brick portion the wo mile hain, remains hain, aur jo upper wood portion hain wo bahut pehle hi decayed ho gaye the. Aur uske baad hai Great Bath. Great Bath ek bahut hi bada, a large rectangular tank tha in a courtyard. Iske bare mein hum डिटेल से पढ़ेंगे, और बुक के शब्दों से मैंने एक चित्र बनाया है. उस चित्र को आप देखें, और एनसीईआरटी के लाइंस को मैं पढ़ूंगा, आप मेरी लाइंस को सुने और उस पिक्चर को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो फ्रेंड्स, ये है मेरा चित्र जो मैंने बनाया है अपने एनसीईआरटी बुक के शब्दों से. ये चित्र बनाया है जिससे आपके लर्निंग में आसानी आपको हो. देखिए, अब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. द ग्रेट बाथ वॉज अ रेक्टेंगुलर, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक. ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है. एंड इट वॉज सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स. ये कॉरिडोर है, अब देख सकते हैं, ये और ये चारों साइड कॉरिडोर है. कॉरिडोर का मतलब होता है कि ये जो लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है और ये जो हाउसेज हैं उनके बीच में जो भी जगह है उसको कॉरिडोर कहा जाता है. और ये कॉरिडोर से चारों तरफ से घिरा हुआ था. कॉरिडोर का हिंदी होता है गलियारा. सो इट वॉज सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स. देयर वेयर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ठीक है, और इस सीढ़ियों के माध्यम से इसके तल तक जाने का मार्ग था. और इसके जल के ठहराव के लिए जो साइड में यहाँ और यहाँ यहाँ ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता था जल के ठहराव के लिए. और जो ये पोर्शन है यहाँ यहाँ यहाँ, यह मोर्टार ऑफ जिप्सम का प्रयोग किया जाता था जल के ठहराव के लिए. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू फ्रेंड्स. और आप ये भी देख सकते हैं कि चारों तरफ तीन तरफ हाउसेस थे, जिसमें से एक हाउस में एक कुआं हुआ करता था. ये कुआं है और इसके तीनों तरफ हाउसेस हैं. मैं एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें. देयर वेयर रूम्स ऑन थ्री साइड्स, इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल. वाटर फ्रॉम दिस टैंक फ्लोड इन टू अ ह्यूज ड्रेन. एक ड्रेन में जाती थी जो कि कॉरिडोर के अलॉन्ग हुआ करती थी. इन टू अ ह्यूज ड्रेन अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ. अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ, ये नॉर्थ है. सो अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ
ले अ स्मॉलर बिल्डिंग, ये छोटी सी एक बिल्डिंग हुआ करती थी नॉर्थ में, विथ 8 बाथरूम्स, जिसमें 8 बाथरूम हुआ करती थी। अब देख सकते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 8 बाथरूम है। सो विथ 8 बाथरूम्स 4 ऑन इच साइड ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर के इस साइड भी 4, कॉरिडोर के इस साइड भी 4 बाथरूम थी। और ये जो बाथरूम थे, ये बाथरूम कनेक्टेड थे, बाथरूम वेर कनेक्टेड टू अ ड्रेन दैट रैन अलॉन्ग द कॉरिडोर, ऐसे ड्रेन से कनेक्टेड थे जो इस कॉरिडोर के अलॉन्ग बहते थे। सो फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखिए, ये स्ट्रक्चर अपने आप में एक इशारा दे रहा है और ये अपने आप में एक यूनिक लग रहा है, क्योंकि ये बात हो रही है मोहनजोदड़ो की। उस टाइम पे ऐसा स्ट्रक्चर मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ये स्ट्रक्चर वाकई में यूनिक है और मैं एनसीईआरटी की लाइन को एक बार फिर से पढ़ूंगा, द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर हैज़ लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वॉज मीन्ट फॉर सम काइंड ऑफ अ रिचुअल बाथ। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये बीच में यहाँ पे रेक्टेंगुलर टैंक है, चारों तरफ हाउस है, यहाँ पे एक कुआं है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ बाथरूम है। तो कहीं ना कहीं इससे स्कॉलर्स को ये लगता है, इतिहासकारों को ये लगता है कि ये जो ग्रेट बाथ है, ये किसी न किसी स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए प्रयोग किया जाता होगा। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है द सिटाडेल, इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि अगर आप विदाउट पिक्चर देखिए पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ये उतना इमेज क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक इमेज के माध्यम से आपके लर्निंग को इजी बनाया जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।